अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चालबाज चीन की हर चाल पर भारत नजर रखे हुए है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो चीन को खरी खरी सुना भी दी है और कहा है कि सैनिकों के पीछे हटने की जो प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी थी वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और उसे पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने भी कहा है कि चीन की हर गतिविधि पर नजर है और हमारे पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। क्या कहा है विदेश मंत्रालय ने, क्या कहा है हमारे सेनाध्यक्ष ने, आपको विस्तार से जानकारी देंगे आज की इस रिपोर्ट में। साथ ही चीन के मन में क्या चल रहा है जरा इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा केरल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। 20 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक और कार्यकाल के लिए सरकार की बागडोर संभाल ली, इस पर भी आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही कोरोना की जांच में तेजी लाता हुआ एक नया तंत्र विकसित हुआ है जिससे एक सेकंड में पता लग जाएगा कि किसी को कोरोना है या नहीं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चीन की चालबाजियों की। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर भारत ने कहा है कि क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया जल्द पूरी होनी चाहिए तथा सीमावर्ती इलाकों में पूर्ण रूप से शांति बहाली से ही द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम से आयोजित साप्ताहिक प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस वर्ष शुरू की गई सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया के बारे में 30 अप्रैल को अपने चीनी समकक्ष के साथ चर्चा की थी और यह बताया था कि यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है तथा यह जरूरी है कि इसे जल्द पूरा किया जाए। अरिंदम बागची ने कहा, इस संदर्भ में यह सहमति बनी कि वे जमीन पर स्थिरता बनाए रखेंगे और किसी नई घटना से बचेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमें उम्मीद है कि कोई भी पक्ष ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो इस समझ के अनुरूप नहीं हो। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में पूर्ण रूप से शांति बहाली से ही द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। अरिंदम बागची से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध से जुड़ी ताजा स्थिति और सीमा के पास चीन के युद्ध अभ्यास की खबरों के बारे में पूछा गया था। सीमा के पास चीन के युद्ध अभ्यास की खबरों के संबंध में अरिंदम बागची ने कहा, हमारे सेना प्रमुख ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। गौरतलब है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच पेंगोंग त्सो इलाके में पिछले वर्ष 5 मई को हिंसक संघर्ष के बाद सीमा गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने हजारों सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती की थी। सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने इस वर्ष फरवरी में पेंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिकों और हथियारों को पीछे हटा लिया था। उधर थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना लद्दाख क्षेत्र के निकट जारी सैन्य अभ्यास समेत चीनी सेना की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है और पेंगोंग झील इलाकों से सुरक्षा बलों की वापसी शुरू होने के बाद से किसी भी पक्ष ने कोई उल्लंघन नहीं किया है। जनरल नरवणे ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष अन्य क्षेत्रों में भी मसलों को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बलों की वापसी की प्रक्रिया अब तक सौहार्दपूर्ण रही है, लेकिन भारतीय बल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हर प्रकार के हालात से निपटने के लिए नजर रखे हैं। चीनी सेना के सैन्य अभ्यासों के बारे में पूछे जाने पर जनरल नरवणे ने एक निजी टीवी चैनल से कहा, हमने प्रशिक्षण क्षेत्रों में गतिविधियां देखी हैं, यह वार्षिक अभ्यास है, वे प्रशिक्षण के लिए आए हैं, हम भी प्रशिक्षण क्षेत्रों में जाते हैं, हम उन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट हमारे बल मौजूद हैं और वे हर प्रकार की स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। थल सेना प्रमुख ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि सेना कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में हर संभव मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए अब आपको लिए चलते हैं केरल। केरल में 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को एक बार फिर जीत दिलाने वाले वरिष्ठ माकपा नेता पिनराई विजयन ने गुरुवार को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए केरल के मुख्यमंत्री के रूप में 20 मंत्रियों के साथ शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में 77 वर्षीय विजयन को
पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए संक्षिप्त तरीके से समारोह आयोजित किया गया था। विजयन को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, श्री पिनराई विजयन जी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और दूसरा कार्यकाल शुरू करने पर बधाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्रियों ने संविधान के नाम पर शपथ ली, वहीं 5 ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इंडियन नेशनल लीग के कोटे से मंत्री बने अहमद देवर कोविल ने अल्लाह के नाम पर शपथ ली। राज्यपाल 3:30 बजे समारोह स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद समारोह शुरू हुआ और 4:50 पर समाप्त हो गया। विजयन और नव निर्वाचित मंत्रियों ने LDF सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पुन्नपरा बयालार विद्रोह के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1940 के दशक में अलपुझा जिले में कामगारों ने यह आंदोलन किया था। वाम सरकार के शपथ ग्रहण से पहले कम्युनिस्ट मंत्रियों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा वर्षों से रही है। विजयन शपथ लेने के बाद राज्य सचिवालय में अपने कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभाला। उन्होंने बाद में मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की। विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के नेता कोविड 19 की वजह से समारोह में शामिल नहीं हुए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चन्नीतला ने विजयन को फोन कर बधाई दी। उन्होंने विजयन से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर UDF के विधायक डिजिटल तरीके से समारोह को देखेंगे। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार को निर्देश दिया था कि महामारी के मद्देनजर समारोह में सीमित संख्या में लोग भाग लें। समारोह में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, पार्टी के पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य, भाकपा के राज्य सचिव कणम राजेंद्रन और अनेक धार्मिक संगठनों के नेताओं ने भाग लिया। विधायकों के परिजनों और LDF के कार्यकर्ताओं ने भी अदालत के निर्देश के मद्देनजर TV पर ही समारोह देखा। समारोह में 54 गायकों की एक ऑनलाइन संगीत प्रस्तुति से उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन किया गया। इसमें राज्य में अनेक वामपंथी सरकारों के दौरान केरल की उपलब्धियों को गिनाया गया। नव केरल गीतांजलि नामक इस कार्यक्रम में KJ येशुदास, हरिहरन, शंकर महादेवन, अमजद अली खान, P जयचंद्रन, KS चित्रा और MG श्री कुमार समेत जाने माने गायकों ने भाग लिया। इस प्रस्तुति में संगीतकार AR रहमान और जाने माने अभिनेता मोहन लाल की भी भूमिका रही। दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म की सेंसर प्रणाली विकसित की है, जिसमें लार के नमूने लेकर नोवेल कोरोना वायरस का पता 1 सेकंड के भीतर ही चल जाएगा। यह प्रक्रिया वर्तमान की जांचों से कहीं अधिक तेजी से परिणाम देती है। इस जांच में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए बहुत अधिक संख्या में वायरल बायोमार्कर की आवश्यकता पड़ती है। यह पॉलीमेरिज चेन रिएक्शन यानी PCR या अन्य प्रक्रियाओं के जरिए किया जा सकता है। इस तेज प्रणाली की जानकारी वैक्यूम साइंस एंड टेक्नोलॉजी B नाम की पत्रिका में दी गई है। अभी तक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरिज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR को ही COVID-19 का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जांच माना जाता है, लेकिन इसके परिणाम मिलने में कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक का समय लग जाता है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से जुड़े मिंगान शियान कहते हैं, इस प्रणाली से जांच में लगने वाला समय कम होगा। इसमें जो बायोसेंसर स्ट्रिप है वह सामान्य तौर पर उपलब्ध ग्लूकोज स्ट्रिप जैसी ही दिखती है। उधर देश भर में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्य सरकारें इसके बारे में अहम निर्णय ले चुकी हैं। कुछ ने तो महामारी घोषित कर दिया है, कुछ ने निगरानी समितियां बना दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि उनकी सरकार ब्लैक फंगस के मामलों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अपने जो शुगर लेवल है उसकी जांच करते रहें, उसे कंट्रोल में रखें। आइए आपको दिखाते हैं केजरीवाल क्या कह रहे हैं। सर, ब्लैक फंगस को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक की, उसमें कई फैसले लिए गए हैं। सर, किस तरह से दिल्ली जो है प्रभावित है, कितने पेशेंट्स हैं अभी? सबसे पहले तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, कि स्टीरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। जो निकल के आया कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने से, और जो जो पेशेंट्स हैं वो अपनी शुगर का ख्याल रखें। स्टीरॉइड्स और शुगर इन दोनों का मिश्रण होके ये ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। इसके बारे में हम जनता को जागरूक भी करेंगे, और दूसरा इसके लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है। ये निकल के आया कि इसके इलाज के लिए कई डिसिप्लिन के डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है, जो कि उस मरीज का ख्याल रखे। तो हमने GTB में, सरकारी में, प्राइवेट में तो अपने अपने वो करते हैं, सरकारी में हमने GTB, LNJP और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए।
और तीसरा जो इसके इंजेक्शन्स हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि बिकॉज सारे अब जो भी प्रोडक्शन है वो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, तो केंद्र सरकार बांट रही है सारे इंजेक्शन्स। हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जितने भी इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ेगी वो देगी।